क्रिकेट हमारे देश में स्पोर्ट्स नहीं बल्कि एक इमोशन है। इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो या फिर आईपीएल, जनता का क्रेज क्रिकेट के लिए सातवें आसमान पर रहता है। इसी क्रेज का नतीजा है कि इंडियन क्रिकेट टीम का कर्ता धरता बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। लेकिन इतनी अमीरी के बाद भी बीसीसीआई भारत सरकार को टैक्स नहीं देता, आखिर ऐसा क्यों है, चलिए जानते हैं। आज भले ही पूरी दुनिया में इंडियन क्रिकेट टीम का डंका बजता है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले तो इंडिया को इंटरनेशनल मैच खेलने का अधिकार ही नहीं था। फिर कलकत्ता क्रिकेट क्लब ने 1926 में लंदन जाकर आईसीसी से मीटिंग की और इंडिया के इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने को लेकर बात की, जिसके बाद 1928 में बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया को फॉर्म किया गया, ताकि वो इंडिया को इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में रिप्रेजेंट कर सके। लेकिन तब भारत की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, इसीलिए बीसीसीआई को एक चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह एस्टैब्लिश किया गया था, जिसका काम क्रिकेट को आगे बढ़ावा देने का था। यही कारण है कि बीसीसीआई को टैक्स ना देने की छूट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिली थी, क्योंकि इनकम टैक्स के सेक्शन 12A 1961 के हिसाब से चैरिटेबल ट्रस्ट को एक सहूलियत दी गई है कि वो अपनी कमाई के हिसाब से सरकार को टैक्स ना देकर उस कमाए गए पैसे को किसी अच्छे काम में लगा सकते हैं। आज भले ही क्रिकेट भारत का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला स्पोर्ट्स बन गया है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। 1983 में जब इंडियन क्रिकेट टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता, तब बीसीसीआई के पास प्लेयर्स को ठीक ठाक सैलरी देने तक के पैसे भी नहीं थे। उस वक्त पर क्रिकेट को करियर नहीं बल्कि सिर्फ एक हॉबी की तरह ही देखा जाता था। हालात तो ये थे कि दूरदर्शन पर क्रिकेट मैच को एयर करवाने के लिए बीसीसीआई को उन्हें अच्छे खासे पैसे देने पड़ते थे। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला, क्रिकेट लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का जरिया बना और दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट ऑडियंस इंडिया में बनकर तैयार हुई, जिसके बाद बीसीसीआई के दिन ही बदल गए। 90s के दौर में पहली बार साउथ अफ्रीका के ब्रॉडकास्टर्स ने बीसीसीआई को मीडिया राइट्स के लिए भारी भरकम रकम के साथ अप्रोच किया, लेकिन तब बीसीसीआई ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि उनके पास इंटरनेशनली मीडिया राइट्स बेचने की परमिशन नहीं थी। बाद में उन्होंने केस लड़ा और राइट्स को इंटरनेशनली बेचने की परमिशन हासिल कर ली, जिसके बाद 1993 में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज के दौरान उन्हें पहली बार इन राइट्स के लिए $6,00,000 मिले। यहीं से बीसीसीआई की किस्मत बदलती चली गई, और वो दिन भी आया जब साल 2000 में दूरदर्शन ने बीसीसीआई को इन राइट्स के लिए 240 करोड़ रुपए दिए। बीसीसीआई अमीर तो हो गया था, लेकिन आईपीएल ने उसकी किस्मत बदल कर रख दी। आईपीएल से बीसीसीआई काफी पैसा कमाता है। अब क्योंकि बीसीसीआई सरकार को टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं है, इसीलिए 2021 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और बीसीसीआई के बीच कानूनी लड़ाई छिड़ गई थी, जहां ये कहा गया कि बीसीसीआई आईपीएल से मोटा पैसा कमाता है और आईपीएल सिर्फ क्रिकेट प्रमोशन के लिए नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट के लिए भी है, इसीलिए बीसीसीआई को ऑफिशियली आईपीएल की कमाई पर टैक्स देना होगा। लेकिन इनकम टैक्स अपीलिएट ट्रिब्यूनल ने फैसला बीसीसीआई के हक में दिया, क्योंकि बीसीसीआई की दलील थी कि आईपीएल के जरिए भी वो क्रिकेट को प्रमोट ही कर रहे हैं। भले ही बीसीसीआई आईपीएल को लेकर टैक्स देने के लिए लायबल नहीं है, लेकिन आईपीएल की सभी टीम्स इंडिविजुअली टैक्स पे करती हैं। वक्त के साथ बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बन गया, लेकिन उसके चैरिटेबल ट्रस्ट होने का स्टेटस आज तक नहीं बदला है। ये बात भी कही जाती है कि बीसीसीआई टैक्स पे नहीं करता है, लेकिन अगस्त 2023 में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस बात का खुलासा किया कि बीसीसीआई भले ही ऑफिशियली टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन फिर भी वो टैक्स भरता है। राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए मिनिस्टर पंकज चौधरी ने कहा था कि बीसीसीआई ने 2017 से लेकर 2021 तक 4,298 करोड़ का टैक्स भरा है, और हालिया वित्त वर्ष में उन्होंने 1,159 करोड़ एक्स्ट्रा टैक्स भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिया है। मतलब कि टैक्स फ्री होने के बाद भी बीसीसीआई अपनी जिम्मेदारियों को निभाता रहा है। वैसे आपका इस पूरे मामले में क्या सोचना है, कॉमेंट्स में बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।